अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कुरान पाक की 24वें सूरत सूर्य नूर के गहरे इल्म की खोज में एक सफर का आगाज करते हैं। ये सूरत, जिसका नाम रोशनी, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का एक रोशन मीनार है। ये रास्तबाजी की राह को रोशन करती है, जहालत और गुमराही के अंधेरों को दूर करती है। आइए हम इसकी आयात में गौर करें और इसमें मौजूद इल्म के खजानों को दरियाफ्त करें। सूरन नूर हमारी जिंदगियों के लिए एक रहनुमा रोशनी का काम करती है। यह हमारी जिंदगी के अहम पहलुओं से खिताब करती है, जाती अखलाक से लेकर समाजी आमला तक। ये सूरत अखलाकी पाकिजगी की अहमियत पर जोर देती है, ख्वाहू ख्यालात में हूं या अमाल में। यह हमें एक मुनसफानहा और मसावी माशरा बनाने की तरफ रहनुमाई करती है, जहां एहतराम, शफकता और समझबूझ हगलबा हो। आइए हम मिलकर असरोफर का आगाज करें। सूरन नूर के कल्ब में एक ताकतवर सितारा है, रोशनी की मिसाल। यह रोशनी ना सिर्फ जाहरी बल्कि बातनी भी है, जो दिलों को मनवर करती है। 35वीं आयत अल्लाह के रोशनी को खूबसूरती से बयान करती है, जो हर समत फैलती है और हर चीज को रोशन करती है। इस काम वाजन हाइक ताक में रखे हुए चिराग से करती है, जो एक महफूज और मुकद्दस जगह में रखा गया है। इस रोशनी का मजीद मवाजन हाइक मिकते हुए सितारे से किया गया है। जवान धीरे में रहनुमाई करता है और रास्तहद खाता है, जिसे एक बाबरकत जीतून के दरख्त से ईंधन मिलता है, जवापनी पाकिजगी और बरकत के लिए मशहूर है। ये तस्वीर अल्लाह की हदायत की हम हगीर नावियत को अजार करती है, जो हर मुश्किल और तारीकी में रोशनी फ्राहम करती है, जो हमारी जिंदगियों के हर पहलू को रोशन करती है, चाहे वह हौजाती हो या इज्तमाई। यह हमें इल्म की तलाश, अंधेरे को दूर करने और रूहानी रोशनी के लिए ये कोशिश करने के तरगीब देती है। यह रोशनी में सुकून, उम्मीद और यकीन फ्राहम करती है। हस्ताचार रोशनी के सतून सूरन नूर से अहमा सबाक। सूरन नूर बीशबहा असबाक सिखाती है, जो हमारी जिंदगियों में रोशनी के सतून का काम करते हैं। ये सूरत हमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में रहनुमाई फराहम करती है, चाहे वह जाती हुई या समाजी। ये हमारी गाहों की हिफाजत, हमारी पाक दामनी की हिफाजत और हमारे दिलों की पाकिजगी की अहमियत पर जोर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी आंखें और दिल दोनों अल्लाह क्या मानते हैं, और शादी की तत्स्कू बरकरार रखने क्या हमीद पर जोर देती है। ये हमें बताती है कि शादी एक मकद से बंधन है, जो मोहब्बत, एहतराम और वफादारी पर मबनी होना चाहिए। ये सूरत इस चाय की अहमियत पर जोर देती है और हमें अपने अल्फाजा और अमाल में सच्चे होने का मुतालबा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चाई न सिर्फ हमारे जाती ताल्लुकात में बल्कि हमारे मुआशरती ताल्लुकात में भयाहम है। हमसे अपने अल्फाजा और अमाल में सच्चे होने का मुतालबा करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और दियानतदारी हमारी जिंदगियों की बुनियाद होनी चाहिए। यह समाज इंसाफ का मुतालबा करती है और हमें याद दिलाती है कि हम सबको एक दूसरे के हकूक का एहतराम करना चाहिए। मजलूमों और पसमानदह लोगों के हकूक की वकालत करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा कमजोरों की मदद करनी चाहिए और उनके हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये तालीमात हमें एक ऐसे माशरे की तमीर की तरफ रहनुमाई करती हैं, जो रास्तबाजी, शफकता और एहतराम पर मबनी हो। ये हमें याद दिलाती है कि एक मिसाली माशर हो है, जहां हर फर्द दूसरे के हकूक का एहतराम करता है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और शफकत से पीश आता है। हस्सा पांच, रोशनी को अपनाना, अमल की दावत। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आप क्वाय का हम पैगाम देने के लिए यहां मौजूद हैं। आइए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में सूरन नूर की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। यह सूरा हमें रोशनी की तरफ बुलाती है, हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। आइए हम रोशनी के मीनार बने, जहां भी जाएं मेहरबानी, शफकता और समझबूझ फैलाएं। हर छोटे से छोटे अमल में हम रोशनी की कर न बन सकते हैं। असालाई हुकमत को दूसरों के साथ बांटें, अनकीराहों को रोशन करें और उन्हें हिदायत की रोशनी को अपनाने की तरगीब दें। यह हमारा फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भयासर रोशनी की तरफ बुलाएं।
अल्लाह हमें इन तालीमात को अपने अंदर जब करने और अस्कीर हमतावर फजल की चमकती हुई मिसालें बनने की कुवतावर हुक्म अता फरमाए। हमें इस बात की तौफीक दे के हम अपने आमाल से दूसरों के लिए मिसाल बन सकें। आइए हम सूरज नूर के प ये गाम कामली नमून हबने की कोशिश करें, अपने तमाम कामों में इसकी रोशनी फैलाएं। हर दिन हर लम्हा हम आस रोशनी को अपने दिलों में महसूस करें और उसे दूसरों तक पहुंचाएं।